नमस्कार, खबर जट से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपको बता दें, इस समय हम फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और इस समय यहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ है। एक बार भीड़ दिखा दीजिए आप। और अगर मैं मामला बताऊँ आपको, तो मामला ये है कि दो सगी बहनें जो कि एक घर में जिनकी शादी हुई थी, दो बहनों में से एक बहन की, एक महिला की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। क्या मामला है, कैसे हुई मौत, शादी कब हुई थी, किस कारण से लगता है इनको कि मौत हुई होगी, जानने के लिए परिवार वालों से जुड़ेंगे और बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। तो मामले की जानकारी लेने के लिए लड़की के पिताजी हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, गांव मानपुर। गांव मानपुर। लड़की आपकी नंगला जोगियान में ब्याही थी। हाँ जी। कितना टाइम हो गया ब्याही को? 2010 में, 7 फरवरी 2010 में, तो लगभग लगभग 15 साल 14 साल 12-13 साल हो गए। और दो बेटियां आपकी एक ही घर में ब्याही थी, दोनों भाइयों के साथ। हाँ जी। अच्छा, तो क्या मामला है, कैसे मौत हुई, क्या लगता है आपको? लड़की जब से शादी हुई तब से झगड़ा फसाद, कमाना धमाना कुछ काम नहीं है उसका, दारू पीनी, जुआ खेलना, कुछ 10 दिन कमा लियो फिर भी जुआ में और दारू में उड़ा दिए। तो पहले शादी से पहले पता नहीं था कि लड़का जुआ खेलता है, कोई काम नहीं करता है? ऐसे किसको पता लगता है, किसी को नहीं लगता। किसी को तो शादी, आपने अपनी बेटी की शादी की होगी, कुछ जान उसके उससे पहले कोई नहीं बताया, किसी में कोई कमी होगा हम वाला भी नहीं बता ना जी। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत बढ़ाई करें जी। नहीं, लड़की वाले तो अपना जांच पड़ताल करते हैं ना कि लड़की पड़ताल करना, तब भी नहीं बताते। नहीं जी, नहीं बताते। हाँ। क्या नाम था बेटी का? सरिता। सरिता नाम था। क्या उम्र होगी? 35। तो किस परिस्थितियों में लाश मिली है सरिता की? सरिता की मतलब के गुआ के फांसी लगाई है। फांसी कोई निशान नहीं है, सिर में चोट है, शरीर में पूरे में चोट है। आपने देखा खुद से? हाँ जी, खुद ने देखा। तो कब पता लगा आपको? दूसरी बेटी ने छोटी बताई मेरे को, तो रात के रोते रोते, कल रात को, आज रात ही जो गई जो बीत गया है रात। हाँ। अच्छा। रोते रोते इतने काम में अकेली थे। अच्छा, आपकी बड़ी बेटी ने बताया कि छोटी ने बताया, बड़ी बेटी एक्सपायर हुई। पर उसने ज़्यादा नहीं बताया, फिर हम पे भी होपलेस है कि हम पे कुछ नहीं पूछेगा ना कुछ। तो जब अपने घर से आप वहाँ पहुँचे लड़की के घर में, तो लड़की उस समय थी वहाँ पे या हॉस्पिटल ले आए थे उसे? नहीं नहीं, वहीं पर थी, हम ही लाए। तो आपने देखा कि उस पे शरीर पे निशान थे, चोटों के निशान थे? पुलिस ने भी देखे, सबने देखे। और इस बारे में उनका क्या कहना है, घर वालों का क्या कहना है, उसके पति का, उसके घर वालों का? लगाइए, मारे वाले कह रहे हैं फांसी लगाइए। बेटा ने मारी वो। अच्छा, माँ बेटा ने मारा। आप ऐसे कह रहे हैं कि माँ बेटा ने मारी, क्योंकि निशान थे, जिस हिसाब से आपको बॉडी पे निशान लग रहे थे, आप लोग लग रहा है कि घर वालों ने ही मारा। झगड़ा करती रहे माँ माँ बेटा, माँ की सपोर्ट में रहे। अच्छा, बेटा माँ बेटा एक वाम रहे भाई। अच्छा, अभी देख ले कोई साल भर हुई है, बस सास ने आँख पे सब चिमटा मारे, मतलब फूटी ना ही, बच गई। तो आप बता रहे हैं कि 12-13 साल हो गए शादी को, और जब से शादी हुई है तब से ये चल रहा था, तो बीच में आपने कोई कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट नहीं की, या बेटी को आपने? पुलिस कंप्लेंट भी की, भाईचारे में जैसे रिश्तेदार में चार आदमी इकट्ठे है के फैसला कर देकर मैं चलो कोई बात ना, समझ जा को समझा, पर वो नहीं समझ, लास्ट स्टेज पे आप पहुँच। कितनी बार पंचायत हुई आपस में बैठ के? 2-4 बार तो कम से कम हुई है। तो 2-4 बार पंचायत होगी, आपको ऐसा नहीं लगा कि बेटी अब नहीं बस रही है, लड़का नहीं रख रहा है, मारपीट कर रहा है, तो क्यों ना लड़की को अपने घर ले जाए? ऐसा जी, हम सोच रहे मैं घर ले जाएं, कल के आते कोई बोरो मिल जाए, तो हमने सोचा इस समझ जा तो समझ जाए। उस बात का आज पछतावा नहीं हो रहा कि काश वो लड़की को अपने घर ले आते, आज कम से कम लड़की हमारी जीवित तो होती कम से कम? लड़की ले गई झगड़े में, बहन चोत पीछे पीछे ही पहुँच गो, और हमने वो धमकायो, हमारे छत की सीढ़ी पर तो नीचे गिर गो, चोट मार ली अपने, फिर हमने उल्टो वाप इलाज करवाया, मैंने की भैया या छोरे भेज दे मेरे को, तू हमारे जुम्मे और यू और हमारे जुम्मे पर जा। हमने तो फिर घर में कलेश ना हो तो आप हमेशा जो है अपनी लड़की को भेज देते थे कि चलो अपने घर रहो जाके। हाँ, बस ये। आप कौन है? मैं लड़की का चाचा हूँ। मान लो आप कह रहे हैं कि लड़की को इतने समय तक पता था आपको, और झगड़ा कलेश होते हैं, घर क्यों नहीं ले आया? उसके 4 बच्चे हैं, 1 लड़का 3 लड़की हैं। अब लड़की को घर ले आते, दूसरा घर बसाते, कौन एक्सेप्ट कर लेगा जिसके 4-4 बच्चे हों और जवान लड़की हो? अब मौत हो गई है तो अब क्या? मौत हो गई तो सुधारने का चांस, ये आशा होती है कि बहन बेटी का घर बसा रहे, किसी तरह ना उजरे। शिकायत भी की, कंप्लेंट करने के बाद भी उसे चांस दिया गया, भाई अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, लेकिन नहीं सुधरा। जो छोटी लड़की है उसने आँखों देखा हाल बताया है, आइयो भी पुलिस भी साथ रही है उसके, जो नरेश है उसका पति, एक घर में 2 लड़की है, इसकी बड़ी लड़की का नाम सरिता, छोटी का नाम अलका। तो बड़ी जो इस टाइम मार रहे थे उस लड़की को, तो केबल होती है बिजली वाली, उससे लड़के ने गला दबाया हुआ है,
और सास जो है सिर में डंडे, यहाँ डंडे, पीठ पर डंडे वो मार रही है। उनके आज ही इसका काम तमाम कर दो, ख़त्म कर दो। जब जान से मर गई है तब जा करके ले गए होंगे, डेड बॉडी ले गए हैं, सबने हाथ हिला दिया, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, जाओ पकड़े और जाओगे, इसका दाह संस्कार कर दो जा करके। इतने हम आ लिए, उन्हें दाह संस्कार करने का टाइम भी नहीं दिया गया, और इतने हम आ लिए, पुलिस में FIR करी हमने, दोनों पुलिस की कस्टडी में दे दिए, वो लड़का नरेश और उसकी मम्मी पुलिस की कस्टडी में रखो। और डेड बॉडी भी लाने के लिए उन पर वो सुविधा नहीं बन पाई, अपने पैसों से हम डेड बॉडी को यहाँ लाए, तब जा करके आप बैठे हो। FIR हो गई है? FIR हो गई। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा देखो ये तो पुलिस बताएगी, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें 302 का केस लागू होना चाहिए इन्हें आगे, ताकि और भी कोई आए उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो किसी बहन बेटी की, ये हमारा कहना है। और जो दोषियों को सख्त से सख्त जो कानून कार्रवाई है 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, ये हमारी मांग। लड़की को अगर कोई दुख होना चाहिए, हाँ, छोटी लड़की है वो तो बेचारी सो, देखिए जो दोषी हमने, वो हमारी दूसरी लड़की भी है, उसको हमने नहीं दोषी करार दिया, नहीं मेहमान को लिया, नहीं और ससुर को लिया, किसी को नहीं, जो एक्चुअल में दोषी हैं इसे फ़ायदा क्या दूसरे को? हस्बैंड को और उसकी माँ को, सरिता के हस्बैंड को, नरेश को और उसकी मम्मी, क्या नाम चमेली, क्या नाम उसका, हरबे जी, उसको ये दोषी ठहराया और किसी को नहीं। दान दाई का कोई ऐसा वो मामला इलीगल नहीं लगाया हमने, जो एक्चुअल पोजीशन ही हमने बता दिया आपको। ये सरिता के रिश्तेदार थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, और यहाँ पर लड़के के परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं वो। इस समय हमारे साथ सरिता के ससुराल पक्ष से उनके देवर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू जी, परिवार वाले सरिता के माँ बाप जो हैं, उनके चाचा जो हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो नरेश है, नरेश भाई का नाम आपके, नरेश और आपकी मम्मी ने उनको मारा है, फांसी नहीं ली है, क्या कहना चाहेंगे आप? उस समय घर थे मौजूद? देखो मैं घर तो नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से मारनी फांसी है। जो बंदा सुबह से शाम तक लड़ता और फिर सुबह उठ के थाली में खाए ना, वो अपने हाथ से नहीं मारेगा। नहीं, वो कह रहे हैं शरीर पे पूरी चोटों के निशान थे, सिर पे जख्म थे, तो फांसी लेने वाले के सिर में तो शरीर पर निशान नहीं हो सकता। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने मेरे सामने तो नहीं मारा है। अच्छा, मेरे सामने तो नहीं मारा, मैं तो था ही नहीं। घर पर उस समय कौन कौन मौजूद था? वो दो ही थे। दो कौन कौन? मियाँ बीबी। मियाँ बीबी थे, पर परिवार वाले बोल रहे हैं कि माँ भी आपकी वहाँ पे थी और माँ ने भी डंडों से मारा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये सरिता के देवर हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मामला है पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल जो डॉक्टर पोस्टमार्टम में आएगा कि उन पर निशान जो थे वो किस प्रकार के निशान थे, एक्चुअली में उनको मारा गया है या फिर उन्होंने एक्चुअली में फांसी ली है, तो अगर इस मामले में कोई और अपडेट मिलती है बिल्कुल जुड़ेंगे। फिलहाल आप खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।